बाद से आपके बीच आए हैं वोट मांगने। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव और तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे वैशाली लोकसभा सीट की। देखिए वैशाली में लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन की है, जहां एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से वीना देवी चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ राजद ने टिकट दिया है मुन्ना शुक्ला को। मगर तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें वैशाली लोकसभा की है, जहां पर वीना देवी घूम रही हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जहां जहां वीना देवी पहुंच रही हैं, वहां फूलों की बरसात भी की जा रही है। देखिए वीना देवी लोगों के बीच हैं और लगातार सक्रिय हैं, जनता से कहते नजर आ रही हैं कि आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी बहू हूँ। और देखिए विगत 5 सालों में वीना देवी ने क्या कुछ किया है विकास के लिए वैशाली लोकसभा सीट पर, उसका यूं कहें कि परिणाम रिजल्ट जो है वो जनता तैयार कर बैठी है। मगर वीना देवी जब लोगों के बीच जा रही हैं, लोग खुश होकर नारे लगा रहे हैं। हमने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से वैशाली लोकसभा क्षेत्र में वीना देवी जब पहुंची, महिलाओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया, खुलकर नारे लगाए, नारे भी जीत का नारा। मगर वीना देवी लगातार सक्रिय हैं, दिन हो रात हो थकने का नाम नहीं ले रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, आशीर्वाद मांग रही हैं। उसी बीच वीना देवी ने लोगों से क्या कुछ कहा है वह भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लोगों से किस तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है, तस्वीरें तो आप देख ही रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर चल ही रहा है। मगर उसी बीच वीना देवी ने वादा किया है, वादा विकास का, क्या कुछ कर रही हैं वीना देवी, सबसे पहले आप वो सुनिए। जितने भी आए हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया गुड्डू सिंह जी एवं सभी हमारे सम्मानित मतदाता मालिक भाइयों एवं बहनों, नौजवान साथी, आप तमाम लोग के जो हमारे पंचायत समिति सदस्य जो हमें बताए हैं, हमें ज्ञात हुआ है यहाँ रोड का भी बहुत दिक्कत है, पुल नहीं होने के कारण हम लोग चले जाते हैं, 4 किलो 8 किलोमीटर दूर तय करना पड़ता है। तो हम अभी हमारे नॉलेज में आया है, हम आग्रह करते हैं कि लीग के अगर देते तो हम इस पर सवाल भी उठाते, बनवाने का अभी हमारे भाई साहब दिए हैं, हम इस पर ध्यान भी देंगे। और कहना है कि हमारी सरकार हम लोग बनिए रहे हैं, जीतेंगे तो ये चांद पंद्रह जो है फूल का भी निर्माण होगा। अभी आप ही के मीनापुर में 3-3 फूल हम पास करके शिलान्यास कर दिए, अब अगला समय में हम चांद पगला के जो फूल है उसको भी हम बनवाने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय भाई देश के प्रधानमंत्री तेजस्वी आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, हम उनके दूत के रूप में आए हैं आपके बीच आशीर्वाद लेने। हमारा हेलीकॉप्टर साफ है, हमारे पार्टी, हम लोग महागठबंधन के लोग हैं, हमारे पार्टी हमारा पार्टी एनडीए गठबंधन से हम आए हैं। आप तमाम लोग को बताना मैं चाहती हूँ कि हमारे पार्टी के 5-5 पार्टी मिलके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय हमारे चिराग पासवान जी, आदरणीय हमारे जो जीताराम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हम 5 पार्टी के आशीर्वाद से आपके बीच आए हैं वोट मांगने। आप लोग से आग्रह है कि एक एक वोट हेलीकॉप्टर सब पर देना है। हमारे देश के जैसी प्रधानमंत्री किसी बार प्रधानमंत्री बनेंगे उनका नारा है, सबका साथ सबका विश्वास, और सबका विश्वास हमारे मोदी जी का नारा है। कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार कब होगा, जब आप हेलीकॉप्टर सब पर भूल देंगे तब हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम एक माला चाहते हैं कि यहाँ वैशाली से मोदी जी के लिए जाए हेलीकॉप्टर सब पर, बटन दबा के आप लोग भूल देंगे। और आपका जो भी काम है आप लोग हमसे आके मिलिए, आवेदन दीजिए, हम काम करने के लिए तैयार हैं।
आपके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जो हम खाने से लेके इलाज तक का व्यवस्था किए हैं सभी लोगों का। हमारा जो अभी राशन चल रहा है वो 29 तक राशन फ्री में मिलेगा। 5 लाख रुपया जो है इलाज के लिए फ्री है। हमारे किसान भाई के सम्मान निधि से पैसा मिल रहा है। महिलाओं के लिए गैस योजना है, उज्ज्वला योजना से महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण किए हैं हमारे नेता ने। हमारे नेता कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीय हमारा परिवार है। ऐसा प्रधानमंत्री न कभी आपको मिला है न मिलने वाला। हमारे प्रधानमंत्री देश के गौरव बढ़ाए हैं, हम सभी धर्म के लोगों के मान सम्मान बढ़ाए। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं तो मैं लास्ट में कहूँगी कि जात पर नपात पर नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर वोट मिले हेलीकॉप्टर छाप पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। तो आपने सुना वीना देवी को। देखिए वीना देवी जनता के बीच जा रही हैं, लगातार सक्रिय हैं, और वीना देवी जहां भी जा रही हैं लोग मुस्कुराते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं, लोग खुशियों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। ढोल नगाड़े तो बजा ही जा रहे हैं, साथ ही साथ वीना देवी को जीत का माला भी जनता पहना रही है। देखिए जनता का मूड क्या है वह तो आगे परिणाम बताएगा ही, मगर फिलहाल जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है वीना देवी लगातार जनता के बीच हैं। वीना देवी ने कहा है कि आपके सुख दुख में मैं साथ दूंगी और देती रही हूं, और ऐसे में आप मुझे एक बार फिर अपना आशीर्वाद दीजिए। वहीं वीना देवी ने लोगों से वादा भी किया है, वादा विकास का, वादा वैशाली को आगे बढ़ाने का विकास के दर पर। देखिए वीना देवी जिस तरीके से सक्रिय हैं और लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, चिराग पासवान ने एक बार फिर से भरोसा किया है वीना देवी पर, वीना देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। जब नॉमिनेशन वीना देवी ने किया था तो एनडीए के तमाम दिग्गज नेता, बड़े नेता वीना देवी के नॉमिनेशन में पहुंचे थे। चिराग पासवान ने भी कहा था कि वैशाली लोकसभा सीट पर जीत सुनिश्चित है। वीना देवी लगातार सक्रिय रही हैं, और जब हमने वीना देवी से भी बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि दूर दूर तक किसी से भी टक्कर नहीं है। खैर दावे हर कोई कर रहे हैं, धरातल पर जब परिणाम आएंगे, जनता जब अपना मत देगी और उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आएगा उससे भी हम अवगत कराएंगे। वैशाली लोकसभा क्षेत्र की भी तस्वीरें हम लगातार अपडेट करते रहेंगे, जनता का मूड क्या है वह भी टटोलने की कोशिश करेंगे। देखिए ढोल नगाड़े बेशक बजाए जा रहे हैं, मगर जनता क्या चाहती है यह भी जानने की कोशिश करेंगे। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।